अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी YouTube फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, जहाँ कहीं भी हो सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमन के लिए और मेरे भाइयों के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखें। तो चलिए जी वीडियो को करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले जो कहानी आज सबसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नहीं हो और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी जल्दी से जाएं इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलती रहे। तो सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक। आज ईद का पहला दिन है और आज आपके साथ में अपनी मॉर्निंग से लेके सारी रूटीन शेयर करूंगी, कैसे हम रेडी हुए। मैं अभी रेडी हुई हूँ और अभी बाजी गए तकरीबन 2:30। अभी रेडी हुई हूँ, सारा किचन का काम खत्म किया तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपना आउटफिट दिखा दूं। ये है जी जो मैंने मुझे बर्थडे पे मिला था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो ये मैंने आज पहना है। अब आप लोगों ने मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये है जी आज ईद, सुबह से लेके शाम तक आप देखो और फिर आप डिसाइड करना कि हम कैसे लग रहे थे। तो बाकी आप लोग के साथ मैं अभी शेयर करती हूँ, तो बने जुने रहिए मेरे साथ। अगेन सबको ईद मुबारक। मीठी ईद की तैयारियां मीठी सेवैयों से, तो मैंने देसी घी डाला और लालचीनी, इनको थोड़ा सा तड़तड़ाऊंगी फिर इसमें डालूंगी सेवैयां। तो मैंने कैमरा जो हाथ में पकड़ा हुआ, तो बस सबको ईद मुबारक। और बताना सबके घर में सुबह सुबह क्या क्या मीठा पड़ता है। मैं हमेशा सेवैयां बनाती हूँ। तो जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें आग हल्की करके सेवैयां डालनी शुरू कर देंगे। सबसे पहले इलायची को तड़कड़ा लूँगी मैं, ताकि इलायची थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन हो गया। फिर उसके बाद सेवैयां डालनी शुरू करेंगे। जैसे थोड़ा सा तड़का बन गया ना ये सेवैयों को, इलायची का कलर जैसे ही चेंज होएगा तो मैंने इसमें सेवैयां डालनी शुरू कर दी। चलिए इलायची का कलर चेंज हो गया तो अब मैं डालती हूँ इसमें ये वाली सेवैयां। इस तरह इन सभी को आंच हल्की कर लूँगी ताकि ये ना सेवैयां डालते डालते वो सारी सड़ जाए। आप थोड़ी सी भी डालू ना, ये माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा हो गया थोड़ा, तो बस अभी इनको भूनूंगी मैं चम्मच हिला के तो 5 से 7 मिनट तक, और फिर इसमें ऐड करेंगे दूध और शुगर। ब्राह्मण ने इसकी नमाज करने जाने चाहिए सबसे। अच्छा जी ये खड़े हैं मेरे आमिर साहब रेडी होके, देख लें माशाल्लाह। अभी मैस है घर में क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, अभी क्लीनिंग करूँगी, लेकिन मेरे मॉर्निंग के स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं, वो आपको दिखा देती हूँ। गोलगप्पे रेडी हैं माशाल्लाह। पहले टेबल को इस तरह करके दिखाती हूँ फिर आपको सारा क्लोजअप करके दिखाती हूँ। अच्छा जी गोलगप्पे हैं, ये इमली की सॉस है, गोलगप्पों की सॉस है, इसमें गोलगप्पों की ग्रीन चटनी है, यहाँ पे गोलगप्पों की रेड सॉस है। कबाब रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से, दही भले चना चाट चने ये गोलगप्पों के लिए, पीछे ये जो है ये दही भल्लों की ग्रीन चटनी है, बाकी सेवैयां पीछे पड़ी हैं। इरम के ढाबे पे सारा स्ट्रीट फूड आज रेडी है, तो आ जाओ जिस जिसने माशाल्लाह से खाना है इंजॉय करते हैं। अभी 2 डिशें और बननी हैं, तो अभी मैंने सोचा कि नमाज पढ़ के आने से पहले, क्योंकि नमाज आमर अभी पढ़ के माशाल्लाह आए हैं, तो मैंने सोचा कि जब तक मेरा ये होता है कि नमाज़ पढ़ के आएँ तो कुछ ना कुछ स्नैक्स जो हैं वो घर में रेडी होने चाहिए। तो ये माशाल्लाह से रेडी है क्योंकि इन्होंने तीसरी नमाज पढ़ी थी 10 बजे वाली, तो अभी 11:30 माशाल्लाह हो गए। तो ये चीज़ें हो गई हैं रेडी, तो अभी होते हैं हम खुद रेडी, तो फिर आपसे मिलते हैं। आप बिल्कुल रेडी हैं,
रबाब ने माशाल्लाह कपड़े पहन लिए हैं। इस तरह करके दिखाती हूँ आपको, ये है रबाब, ये है रबाब के माशाल्लाह कपड़े। रबाब तो है मेरी माशाल्लाह से रेडी। बबी सिट डाउन, सिटी डाउन सिटी। अच्छा जी, रबाब माशाल्लाह से फुली फुली रेडी है। एशियन कपड़े पाके पहन के ना पाके ये ज़रा रिजर्व सी हो जाती हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, ये है ईमान, ये है ईमान के मेहंदी चूड़ियाँ कपड़े। तो ये है इसका आउटफिट। तो ईमान है जी रेडी। हसनैन उधर गए हैं दादू की तरफ, ऐना भी, रबाब को भी मैं छोड़ आई हूँ, राम अभी अभी इसको भी लेके जा रही हूँ उधर। ये है माशाल्लाह मेरा हसनैन, हसनैन की लुक हसनैन की लुक। हसनैन ना गुस्से के साथ सॉक्स पहनी, इसको ठंड लग रही है। अच्छा जी, तो ये है हसनैन की ईदी माशाल्लाह से। जी अभी आई है मेरी बारी खाने की। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, सबको खिला पिला के थोड़ा कैमरा ऊपर इस तरह से सबको खिला पिला के। तो बच्चे गए हैं, पहले अम्मी की तरफ चले गए थे, तो अभी वहां से मामू के घर चले गए हैं। तो मैं गई हुई थी मामू के घर, तो मैं अभी वापस आई हूँ, आके तो रेडी हुई हूँ। सारा दिन मेरा गुजर गया रेडी होने में। तो अभी मुझे भूख इतनी लगी हुई थी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सुबह का मैंने कुछ नहीं खाया, इवन मैंने नाश्ता भी नहीं, आज मैंने चाय भी नहीं पी। अभी ये देख के ना मुँह में पानी आ रहा है। तो अभी मैंने सोचा चलो अभी थोड़े गोलगप्पे और दही भल्ले खाती हूँ। तो ये बस अब खाने लगी थी, तो मैंने सोचा अपनी प्यारी प्यारी फैमिली से भी बातें हो जाए। अच्छा जी, हरी चटनी थोड़ी सी डालूंगी, थोड़ी सी ऊपर इमली की भी डालूंगी, थोड़ा खाने हैं तो थोड़ा मज़ा तो आए ना। और आ जाओ मेरी प्यारी प्यारी फैमिली, जिस जिसने खाने हैं इरम के ढाबे पे, आज ऑल स्ट्रीट फूड ईद पे मेरे घर इसी तरह बनता है। स्ट्रीट फूड जो होता है, मैं सारा बच्चों को बना के दिखाती हूँ कि किस तरह के इस तरह पाकिस्तान में मेरे ख्याल से लोग ईद बनाते हैं। दही भल्ले, फ्रूट चाटते हैं खा खा के, और ये ईद होती है। तो मेरे घर में गोलगप्पे और ये चीज़ें बहुत शौक से खाई जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ जाओ मेरी प्यारी प्यारी फैमिली। आज हम जिसमें कबाब खाने हैं, मुझे बताइएगा कि आप क्या कौन क्या क्या बनाता है ईद पे। डिनर आज घर पे नहीं है, डिनर बाहर है, ये सिर्फ स्नैक बनाए थे आज। मैंने बोला था पूरा रमजान मैंने घर में बनाया, ईद वाला दिन मेरी छुट्टी है, पर छुट्टी का हाफ दिन कुकिंग में फिर भी गुजर गया। मेरी सारी YouTube फैमिली को मेरी तरफ से एक बार फिर ईद मुबारक। स्पेशली कुछ मेरी बहनें जो बहुत इमोशनल हुई थी उस दिन, मेरे ख्याल से अहमद बकार उनकी आईडी का नाम है, एक दो और हैं, एनाज है, सिद्रा आसम है, मनप्रीत कौर है, परमजीत कौर है, ईमान नैयर है, सहर है, और बहुत सारी हैं ऐसे, रजवाना चौधरी है, इन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, पूरी फैमिली को ईद मुबारक। लेकिन ये कुछ ऐसी हैं जो हम लोग अक्सर बैठे चैट करते रहते हैं मैसेजेस के जरिए, और दो मेरी बड़ी अच्छी बहनें बन गई हैं। मैंने उनको बोला मुझे अपना ड्रेस भेजो, मैं ईदी भेजू, लेकिन उन्होंने नहीं भेजी। नेक्स्ट था, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ या छोटी बहन हूँ मुझे नहीं पता, चलो बड़ी कह लो, आप लोगों ने मेरे से रब्ता जरूर करना। इस रब्ते को हम यूट्यूब तक नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दिल के करीब हो जाते हैं, तो उनके साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं रखूंगी। बड़े मजे के गोलगप्पे बने हैं, कबाब भी, आ जाओ सारे मिलजुल के खाओ। किस किस के मुंह में पानी आ रहा, आप सारे खा रहे होंगे, आप क्या मैं बोलूं। अभी गोलगप्पे भी बनाऊंगी, गोलगप्पे भी मजा आ जाता है खा के, स्पेशली मेरी रेड चटनी और हरी चटनी के साथ, माइंड ब्लोइंग होते हैं।
तो मैंने सोचा अपनी प्यारी प्यारी फैमिली को आज का अपना पहला दिन दिखाऊं, बच्चों की तैयारी दिखाऊं। क्या क्या हम करते हैं, और ईद के दूसरे दिन मेरे इन-लॉज की दावत है हमारे घर में, तो वो भी कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत भूख लगी है, बहुत ज्यादा वेट नहीं हो रहा, इसलिए मैंने सोचा साथ में आप लोगों से बातें करती हूँ। आपने आज मेरी सुबह से लेकर सारी ईद की देख लिया है, कहाँ से शुरू हुई, सवैयों से शुरू हुई अब तक। तो चलें जी, वीडियो का मैं यहाँ पे करती हूँ, आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपनी इरम आपी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो। और जिन लोगों की कल ईद है, स्पेशली पाकिस्तान वालों को एडवांस में ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। और आज उनकी चांद रात होगी तो आपको चांद रात मुबारक। ढेर सारी शॉपिंग करो, ढेर सारी चूड़ियाँ खरीदो, बस यही तो लड़कियों के दिन होते हैं। तो चलें जी, वीडियो कॉल यहीं पर करती हूँ, लेती हूँ आपसे इजाज़त। कल मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे अगर जिंदगी ने वफा की तो। लव यू ऑल माई फैमिली, अल्लाह हाफिज। बने जुने रहे और बताइएगा हमारे कपड़े आपको कैसे लगे, मेरे मेरी फैमिली के कैसे लगे आपको कपड़े। अल्लाह हाफिज।